मुगल पीरियड, इसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल वो फुल्ली डेवलप्ड होती है, बिकॉज इनका जो पीरियड था वो स्टेबिलिटी का भी था, और जो स्टार्टिंग के किंग्स थे, अकबर है, शाहजहां, जहांगीर, दे वर टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स। तो बाकी सारे रिलीजन्स की कुछ भी अच्छी बातें, आर्किटेक्चर्स की कुछ अच्छी बातें तो वो लोग अपने अंदर अकोमोडेट करते थे, इसीलिए सिर्फ इस्लामिक नहीं इंडो इस्लामिक स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि इस्लामिक स्ट्रक्चर्स और जगह पे जैसे है वैसे इंडिया में नहीं है, इसमें इंडियन इन्फ्लुएंस भी है, तो इंडो इस्लामिक बोलते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा आर्क एंड डोम मेथड, फिर मीनार का एग्जिस्टेंस मिलता है, मोर्टल एज ए सीमेंटिंग एजेंट आर्क और डोम दोनों को क्रिएट करने का, ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रेजेंटेशन ये लोग अवॉइड करते हैं। इसने जो इंडियन आर्किटेक्चर थे उस पर भी इन्फ्लुएंस किया। इसके पहले हमने देखा कि इंडियन जो टेम्पल्स थे या फिर और आर्किटेक्चर हमारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स या वो सब भी थी उसको इतनी स्पेशियस नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे वो काफी स्पेशियस थे, मासिव थे, तो उन्होंने हिंदू आर्किटेक्ट को भी ऐसा मासिवनेस और स्पेशियसनेस को इन्फ्लुएंस किया। यहाँ पे कैलीग्राफी का एक अच्छा यूज मिलता है, ये लोग जो भी आर्किटेक्चर्स बनाते हैं इसमें कुरान की आयत और वो सब इंस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो इतनी ब्यूटीफुली राइटिंग में होती है तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं, तो डेकोरेटिव भी लगती है और पायस भी होती है, तो ये यहाँ पे फीचर। फिर दूसरा यहाँ पे पित्रा दियोरा टेक्निक का भी यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे, ये दो तीन टेक्निक है जो थोड़ी डिटेल में देखनी है उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अरबेस्क्यू मेथड का यूज होता है, लाइट का सिग्निफिकेंस बहुत होता है ये सारी जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो इसीलिए जाली का जो फीचर है वो यहाँ पे ऐड हुआ था, तो जाली वर्क अकबर के टाइम पे क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, तो ये जाली का फीचर ये स्टाइल में हम देख सकते हैं। फिर सिमेट्री मिलती है, यानी कि ताजमहल को आप कोई भी साइड से देखो उसका स्ट्रक्चर सेम लगेगा, ऐसा ही सारे इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स में होता है, कि कोई भी साइड से आप पीछे से देखो, नॉर्दर्न साइड से देखो, सदर्न साइड से देखो, ईस्ट या वेस्ट, सभी साइड से आपको स्ट्रक्चर सेम लगेगा, तो वो सिमेट्री होती है। वैसा हम इंडियन टेम्पल्स में नहीं है, वहां पे पीछे देखोगे तो अलग दिखेगा, आगे देखोगे तो अलग दिखेगा, तो जो सिमेट्री है क्योंकि उनको ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा नॉलेज था, तो सिमेट्री है उनका मेन फीचर है। फिर जो उनकी प्रिमाइसिस होती है उसमें पानी का वो लोग काफी यूज करते हैं, मतलब टैंक रखेंगे, या फिर ताजमहल में आप देखोगे आगे बड़ा सा ऐसा पॉन्ड बना है, तो ये सारे ये लोग ऐसे यूज करते थे, क्योंकि ये लोग जहां से आए थे वहां पे भी काफी हॉट क्लाइमेट था, तो ये सारे जो आर्किटेक्चर्स है वहां पे कूलिंग मतलब जो एनवायरमेंट है वो कूल रहे, उसके लिए मेन पर्पज इनका ये था। फिर उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी में भी पानी का इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए भी यूज करते हैं। दूसरा ये मिरर इमेज क्रिएट करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे तब ज्यादा आइडिया आएगा। फोर साइटनिंग टेक्निक, यानी कि जो कुरान की आयत इंस्क्राइब की, अगर कभी आपने ताजमहल को विजिट किया है तो उसकी जो मेन आर्क है उसके ऊपर कुरान की आयत लिखी गई है, तो अगर दूर से भी देखोगे आप तो बहुत छोटे आपको हैंडराइटिंग नहीं नजर आएंगे, और नजदीक से देखो तो काफी बड़े नहीं लगेंगे, ऐसे जो टेक्निक यूज की उसको फोर साइटनिंग टेक्निक। चारबाग स्टाइल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो अगर जब आगे हम विजुलाइज करेंगे तब ज्यादा आएंगे। ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर का पूरा आर्किटेक्चरल प्लान है। यहाँ पे फिनियल होता है जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये अच्छे से यहाँ पे डेवलप हुआ था। ये लोटस डेकोरेशन, तो ये इंडियन जो फीचर था वो सजेस्ट करता है, ये पूरा लोटस शेप में होता है। ये ओनियन डोम होता है, इसके नीचे ऐसे सपोर्ट करने के लिए ड्रम शेप्ड प्लेटफॉर्म होता है। फिर यहाँ पे गुलदस्ता होता है, उसके ऐसे डेकोरेटिव पैटर्न होती है, ये जो ड्रम है यहाँ पे फ्लावर पैटर्न होती है, तो उसको गुलदस्ता। फिर ये छतरी है, ये जो फीचर है वो बाद में राजपूताना आर्किटेक्चर भी हम जब देखेंगे तो ये फीचर वहां पे भी यूज होता है, तो मतलब जो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर था दैट वाज नॉट कंपेयर्ड टू मुगल्स ओनली, तो हमारे जो राजपूताना और सारे रूलर्स थे उसमें वो भी इन्फ्लुएंस हुए थे इस टाइप से, तो ये छतरी का काफी यूज होता है, अकबर के टाइम पे और ज्यादा डेवलप हो गई है। ये आर्क है मेन, और बाकी ये यहाँ पे कैलीग्राफी में सारी आयत लिखते हैं। पित्रा दियोरा टेक्निक, ये डेकोरेटिव आर्ट के लिए यूज करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज पर्शियन कारी इन वेस्ट साउथ एशिया। इसमें कट एंड फिट टेक्निक का यूज होता है,
सबसे पहले जो मार्बल या कोई भी बेस है उसको एक पर्टिकुलर डिजाइन में कट करते हैं। फिर जो ये सारे जेम स्टोन होते हैं, प्रेशियस प्रेशियस स्टोन होते हैं, काफी प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, ये सारे टाइप के स्टोन्स का यूज होते हैं, जेम स्टोन का भी यूज होता है, उनको वो डिजाइन में पहले से कट करके रखते हैं और फिर उसको इसमें फिट करते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छे से उसका जो फिनिशिंग करते हैं कि अगर आप नजदीक से भी, मतलब उसके पास जाके भी देखोगे तब भी आपको ये प्रिंट किया होगा ऐसा लगेगा। जब भी आप ताजमहल विजिट करोगे इसका डिटेल में देख सकते हो, बहुत ही बारीकी से आप देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कट एंड फिट मेथड है। बाकी तो आपको ये प्रिंट जैसा फील होगा कि मार्बल पे कुछ पेंटिंग कर दिया है, ऐसा कुछ लगेगा। ये बेसिकली रोम में स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे आया है। और ये ताजमहल में जो ये स्टोन्स यूज किए गए, जब मैंने ताजमहल विजिट किया था तब देखा था, तो ये जो स्टोन्स है पर्टिकुलरली नाइट मूनलाइट होती है उसमें ज्यादा शाइन करते हैं। तो ताजमहल को जो फुल मून में देखने का एक जो कंसेप्ट है वो इसलिए क्योंकि पहले तो नजदीक से देखने देखते थे, तब ये सारे स्टोन्स जो वहां पे लगे हुए तो वो शाइन करते थे, तो इसलिए उसकी ब्यूटी और भी ज्यादा हो जाती थी। इसलिए अभी तो टेररिज्म थ्रेट की वजह से इतने पास में नहीं जाने देते, फुल मून में भी काफी दूर रहना पड़ता है। और जिग्सो पजल में भी ये फुट करते हैं। अगर अभी आप ताजमहल में जाओ तो उसके बाद उसके बाहर की साइड सारे मार्बल्स आर्टिजन्स बैठते हैं, तो वो लोग अभी भी आपको ये सारे वर्क दिखाएंगे कर रहे हैं। वो कुछ डाइनिंग टेबल बनाते हैं ऐसे टके, जो अभी हमारे डे टू डे यूटिलिटी की चीजें हैं वो बनाते हैं और उसमें ये टेक्निक का यूज करते हैं। अरबेस्क्यू मेथड, जैसे कि हमने देखा था कि कुरान में बोला गया, मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स उन सबको रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो इसीलिए ये लोग ऐसे फ्लावर वेजिटेशन टाइप की मेथड्स यूज करते थे। उसमें एक जगह से स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यूसली लीव्स पैटर्न चलती रहती है, एक लीव्स में से दूसरी ब्रांचेस, दूसरे में से तीसरी, ऐसे कंटिन्यूस चलती है और फिर वो कहीं पे एंड नहीं होती लेकिन वो वहीं पे मिल जाती है। तो आपको कोई भी जगह स्टार्टिंग नहीं लगेगी, कोई भी जगह एंडिंग नहीं लगेगी। तो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे ज्यादा यूज होती थी पहले, ये लोग जो भी स्कल्पचर्स बनाते थे या पेंटिंग्स, पेंटिंग्स तो अभी नहीं बनाते, आर्किटेक्चर, तो वहां पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी स्टाइल में करते थे, फिर ऐसे फुल्ली इसको स्कल्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। वाटर का यूज जैसा कि बताया कूलिंग पर्पस के लिए, फिर दूसरा ऐसे मिरर इमेज क्रिएट होती है जिससे इसकी ब्यूटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से यूज करते हैं। चारबाग स्टाइल, जो गार्डन्स होते हैं वो ऐसे चार पार्ट में डिवाइड करते हैं और इक्वल प्रोपोर्शन रखते हैं, तो इसी और इसके अंदर ये कभी वॉकवेज रखते हैं छोटे, या फिर यहाँ से पानी को पास करते हैं, तो इसके और फाउंटेन्स यहाँ बीच में होता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। कोई भी टोम बनाते हैं या फिर पैलेसेस बनाते हैं उस सब में ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अभी डायनेस्टिकली हम देखते हैं बाबर, बाबर का तो जैसे हमें पता है उसके पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाए, और वो आया भी इन्वेजन की तरह था, तो इसलिए उसने इतना ज्यादा नहीं ध्यान दिया। फिर भी दो मॉस्क उन्होंने बनाए थे, रोहिलखंड और पानीपत पे, ये पानीपत में बनाया गया हो मस्जिद। हुमायूं, हुमायूं में उसकी जो टाइम पीरियड था उसमें काफी चेंजेस आए थे, पहले उसने रूल किया फिर शेरशाह सूरी, तो काफी ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे, इसकी वजह से उसे भी इतना टाइम नहीं मिला था, और जब एज ए रूलर वो फाइनली एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद वो काफी कम टाइम तक रह पाया था, तो इसलिए दो तीन ही डेवलपमेंट है उसमें। सबसे उसने दीनपना का फाउंडेशन स्टार्ट किया था जो बाद में शेरशाह सूरी ने उसको शेरगढ़ में बनाया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। और बाद में शेरशाह ने दो तीन अच्छे से डेवलपमेंट किए थे, एक तो शेरगढ़ बनाया था सिटी और ग्रैंड ट्रंक रोड जो हमें पता है। ये जो टाइम पीरियड है उसमें जो आर्क होती थी वो फोर सेंटर्ड होती थी और सेमी डोम रूफ होते थे जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिलता था, डबल डोम का जो कंसेप्ट था वो इसमें भी कंटिन्यूड था। यहाँ पे लोटस डोम था वो इन्वर्टेड फुल्ली डेवलप होना स्टार्ट किया। फिर जो मेन इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन था वो हुमायूं का टॉम था जो उसकी वाइफ ने बनाया था या फिर बीडम,
हाजी बेगम, तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। यहाँ पे जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स वो सारे हम देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऐसा आर्किटेक्चरल फॉर्म था। यहाँ पे पहली बार व्हाइट मार्बल का यूज होता है। ये कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट मार्बल है, बाकी रेड सैंडस्टोन है, तो ये दोनों का यूज हुआ था। और जो इंडिया का फर्स्ट गार्डन टोम, मतलब जहाँ पे ऐसे गार्डन्स का भी यूज हुआ था और टोम बनाया था, ऐसा ये फर्स्ट गार्डन टोम था। उसका अकबर का टाइम पीरियड, अकबर का जो टाइम पीरियड था वहां पे जो आर्किटेक्चर था वहां उसमें स्ट्रेंथ और ग्रेस के साथ उसकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी दिखती है, क्योंकि उसने काफी जो ट्रेडिशनल हिंदू एलिमेंट्स थे उसको अपने अंदर लिया था। तो जो आगरा में दीवाने खास जो उसका मेन सिटिंग एरिया था, तो वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लोटस पिलर था, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। कॉलम बनाया था ऐसा पिलर और उसके लोटस बेस दिया था, तो ये बहुत ही सुंदर है। इसके आसपास में पेरीफेरी में सब बसते थे, यहाँ पे खुद सुल्तान बसते थे। इसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जो चार साइड आप एंट्रेंस के लिए। फिर आगरा फोर्ट था, वो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था रेड सैंडस्टोन से, तो वो भी एक अच्छा मॉन्यूमेंट है। फिर दो तीन मॉस्क थी। बुलंद दरवाजा वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये एरिया था पूरा गुजरात का, महाराष्ट्र का, ये सबका कॉन्कर करने बाद उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। फिर अकबर का जो टोम बनाया गया था वो ट्रूली इंडो इस्लामिक है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो इस्लामिक है, लेकिन उसमें हिंदू फीचर्स का भी काफी यूज होता है। फिर ये गोविंद देव टेम्पल है वृंदावन में, वो भी अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो जो वो दिखाता है कि अकबर वॉज वेरी टॉलरेंट, उसने खुद टेम्पल बनवाया था, बाकी सारे तो टेम्पल तोड़ के गए थे, इसने बनवाया था, तो ही वॉज वेरी टॉलरेंट। और ये जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो हमारे यूजुअल टेम्पल के स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग भी है, तो इसमें हम दोनों इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। फिर ये छतरी का, जैसे मैंने बोला अकबर के टाइम पे ये फुल्ली डेवलप हुआ था। दूसरा, अकबर के अंडर में इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि बाकी सारे जो रूलर्स थे उन्होंने पर्शियन आर्टिजन्स का ही यूज करके कंस्ट्रक्ट करवाया था। जो उस टाइम पे अपने साथ पर्शिया से लाए थे उन सबको ही एम्प्लॉय किया था, लेकिन अकबर ने हिंदू आर्टिजन्स को भी एम्प्लॉय किया था, तो इसलिए दोनों का कंबाइंड फीचर हमें ज्यादा मिलता है। ये जो छतरी का कंसेप्ट है, इसको अभी आप अगर कोई अपने उदयपुर में कभी पहले से आप विजिट किया होगा तो इस स्ट्रक्चर से आपको काफी मिलते हैं। तो अकबर के अंडर में या उसके बाद जितने भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए उसमें ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। फिर हराम का कंसेप्ट जो था कि जो सारी वीमेंस को वो कैप्चर करता था या रखता था, वो हराम का भी आर्किटेक्चर डिफरेंट था। और फतेहपुर सिकरी में पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, सलीम चिश्ती का जो टॉम है वो सारे इम्पोर्टेंट है। सलीम चिश्ती के टॉम में जो जाली वर्क है वो काफी इंटीग्रेट है, ये उसका पिक्चर नहीं है, ये अलग। तो जाली वर्क था वो अकबर के टाइम पे क्लाइमेक्स पीरियड पे था। जो सीधी सरहद की जाली अगर आपने विजिट की है तो उसके जैसा ही था, मोनोलिथिक स्टोन में से ही पूरा बनाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। जहांगीर को आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसको पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने जो ध्यान दिया वो पेंटिंग पे ज्यादा दिया था। फिर भी उसने एक दो कंस्ट्रक्शन करवाए थे, मोती मस्जिद एट लाहौर, तो वो सबसे अच्छा था। और उसने खुद अपना मकबरा बनवाया था लाहौर में, पहले से ही बनवाया था, क्योंकि उसको लाहौर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए लाहौर में बनवाया था। फिर अकबर का जो टोम था वो सिकंदरामा, वो भी जहांगीर ने बनवाया था। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये इसके टाइम पीरियड में स्ट्रक्चर है वो नूर जहां ने बनवाया था, उसका फादर का टोम, जिसको इदमतुल दौला बोलते हैं, आगरा में है। तो ये फर्स्ट ऐसा आर्किटेक्चर था जहाँ पे कम्प्लीटली व्हाइट मार्बल का यूज हुआ था, और पित्रा दिवरा टेक्निक वो सबका भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, तो ताजमहल का प्रीकर्सर ये आर्किटेक्चर फॉर्म का बोल सकते हैं। इसमें सारे फीचर्स जो ताजमहल में फिर यूज किए थे वो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स पहले इसमें यूज कर लिए। शाहजहां जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इसका एक क्लाइमेक्स पीरियड है अंडर शाहजहां।
इसको काफी इंटरेस्ट था बड़ी बिल्डिंग्स बनवाने में, तो इसके पीछे फिर खर्चा भी काफी हो गया था। तो ये थोड़ा फिर उसके बाद औरंगजेब के पीरियड में ही क्राइसिस पीरियड भी होता है। जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन, एक तो ताजमहल तो ही, उसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन शालीमार बाग एक लाहौर, ये इसका पिक्चर है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट थे। फिर मोती मस्जिद, आगरा फोर्ट, ये सारे, शाहजहाबाद जो सिटी बनवाया था, ताजमहल ये उसके वाइफ मुमताज का मजलम है, ये 1632 में बनवाया गया था, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल जो है वो रिवोल्यूशनरी जो आर्किटेक्चरल प्रोसेस था उसका अच्छा एग्जांपल है, जो फाइनली जो मैच्योर हुआ वो सब फीचर्स इसमें हम देख सकते हैं। इसमें चार बाग स्टाइल है, फिर जो पानी मतलब उसके जो वॉकवेज है वहां पे पानी का यूज हुआ है, इसमें फाउंटेन और सबका यूज हुआ है, और इसको यमुना की ऐसी साइड पे बनाया गया जिससे यमुना का एडवांटेज ले सके, तो और ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मीनार्स बनाए गए वो भी काफी टॉल है। ये जो इसका फीनियल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम बाद में डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा इंडो इस्लामिक ब्लेंडिंग जो हुआ था वो देख सकते हैं। ये उसका ऑनियन डोम है, यहाँ पे हमने जैसे देखा था सिलेंड्रिकल ड्रम शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है सपोर्ट करने के लिए। इसमें ये छतरी का आप कंसेप्ट देख सकते हो, सब जगह पे यहाँ पे छतरी मीनार के ऊपर। ये चार मीनार है, यहाँ पे कैलीग्राफी में आयत लिखी गई है पूरी, और यहाँ पे सब जगह पे पित्रा द्यूरा टेक्निक का यूज होता है। तो ये आयत ऐसे लिखी गई कि आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो भी आपको इतनी बड़ी नहीं लगेगी, या इतने दूर होगी तो भी आपको छोटी नहीं लगेगी, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। ये इसका फीनियल है, जैसे कि मैंने बताया था इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर कलश है एज यू कैन सी। तो कलश का जो यूज है वो अकबर के टाइम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे इतने बड़े आर्किटेक्चर में उन्होंने कलश को एक जगह भी वो दिखाता है कि इंडियन जो फीचर्स थे वो काफी ब्लैंड के। फिर इसके नीचे क्रेसेंट मून है जो इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसमें इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था लोटस एक शेप होता है, तो ये ऐसा होता है, इसके ऊपर फिनियल होता है। तो ये दोनों फीचर है जो इंडियन फिलोसॉफी से आते हैं। इसमें जो मार्बल्स यूज किए गए थे वो राजस्थान की माइंस से आए थे, और इसमें हर जो सारे नीचे टोम के आसपास है वहां पे जाली में बहुत ही अच्छे से कार्विंग की गई है, और सब में उसके नीचे ये पित्रा द्यूरा टेक्निक का भी यूज हुआ है। औरंगजेब शाहजहां के टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज का यूज होगा, इसलिए औरंगजेब और औरंगजेब की आइडियोलॉजी भी इतने टॉलरेंट नहीं थी, इसलिए इतने ज्यादा उसने आर्किटेक्चर पे फोकस नहीं किया गया। दूसरा, शाहजहां का प्लानिंग था व्हाइट ताजमहल के सामने एक ब्लैक ताजमहल बनाने का, जो उसके खुद के लिए बनाना था, तो फिर औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई, उसने अपोज किया था, फिर वो नहीं बन पाया था। औरंगजेब ने दो स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट बनाए थे, रेड फोर्ट एट दिल्ली, और दूसरा था बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है। तो और ये जो बीबी का मकबरा है वो ताजमहल की रेप्लिका है, लेकिन बहुत ही पुअर रेप्लिका है। और बादशाही मॉस्क बनाया था लाहौर में, और जो औरंगजेब का फिलोसफी या फोकस था वो स्ट्रेंथ पे ज्यादा था, मासियोनेस पे ज्यादा था, एस्थेटिकल एस्पेक्ट पे इतना नहीं ध्यान दिया था। फिर ये टाइम पीरियड में शिक का भी काफी डेवलपमेंट होता है, तो उसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा अलग से डेवलप होता है, तो उसमें भी इंडो इस्लामिक फीचर्स हम देख सकते हैं, क्योंकि डोम का काफी यूज करते हैं। पहले सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो गोल्डन टेम्पल, ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब, तो इसका जो फाउंडेशन था वो रामदास ने किया था और कम्प्लीटेड बाय अर्जुन देव। इसमें छतरी है वो काफी जगह पे यूज होती है, तो मल्टीपली सेटिंग ऑफ छतरी हम देख सकते हैं, और इसका जो डोम है वो ब्रास और कॉपर ग्रिड से बना था, तो काफी शाइनिंग। राजपुताना फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, जैसा कि हमने इंडो इस्लामिक देखा तब देखा था कि राजपुताना जो आर्किटेक्चर था उसमें भी काफी इस्लामिक स्ट्रक्चर का भी हुआ था। तो यहाँ पे एक अलग से कंसेप्ट था हैंगिंग बालकनीज का,
मतलब ऐसे रोप में से वो लोग कट करके फिर सपोर्ट देते थे, तो दूर से देखने पे वो हैंग कर रही है ऐसा फील होता है, तो हैंगिंग बालकनी का कंसेप्ट है। और बहुत ही सारी आर्क का यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी आर्क्स है, तो आर्क्स का ये लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। डोम का इतना यूज नहीं करते, लेकिन छतरी का काफी यूज करता है। ये हवा महल है, हवा महल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थान का क्लाइमेट है उसको ध्यान में रखते हुए तब ये आर्किटेक्ट ने ऐसा सोचा था और बनाया था, जिससे एयर का वेंटिलेशन इतना अच्छा हो कि जो विंटर है उसमें इतनी ठंड ना लगे और जो समर है वहां पे इसका अच्छे से वेंटिलेशन मेंटेन हो सके। ये दूसरा जो था कीर्ति स्तंभ और वो सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जो चित्तौड़ कैप्चर करने के बाद सोलंकीज ने बनाया था, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है। अभी मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, उसके बाद हम आर्किटेक्चर फिनिश करें। इसमें मेजर दोस्त है इंडो गोथिक एंड नियो रोमन। सबसे पहले गोथिक स्टाइल और आइबेरियन स्टाइल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। आइबेरियन स्टाइल है वो आइबेरियन पेनिनसुला जो है वहां पे ज्यादा डेवलप हुई थी, जो पोर्टुगीज चर्च जिस टाइप के बनते हैं, तो गोवा की जो चर्च है वो काफी इससे सिमिलरिटी होती है, तो ये आइबेरियन स्टाइल है। गोथिक स्टाइल है वो फ्रांस में ओरिजिन हुई थी। आइबेरियन स्टाइल है उसमें लाइमस्टोन, रेड सैंडस्टोन ये सबका ज्यादा यूज होता है, जबकि गोथिक स्टाइल है उसमें ब्रिक्स का ज्यादा यूज होता है। जो आइबेरियन स्टाइल है उसमें कुछ नया इनोवेट करना है, कुछ नए शेप बनाना है, तो उसके लिए वहां पे एक स्पेस होती है कि आप कुछ नया इनोवेट कर सको। जबकि गोथिक स्टाइल है जैसा कि एक फ्रेंच फिलोसॉफी होती है उसमें काफी एक फिक्स स्टाइल होती है, उसमें इनोवेशन की इतनी स्पेस नहीं होती। फिर इसमें वुडन का वुड मटेरियल का इतना यूज नहीं होता है आइबेरियन में, जबकि गोथिक में वुड का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। आइबेरियन में अगर ये सब का हम यूज करते हैं तो बट ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और यहाँ पे ब्रिक्स और वुड ये सब का यूज करते हैं तो नॉन एक्सपेंसिव होता है। ये आइबेरियन है और ये गोथिक स्टाइल, इंडो गोथिक स्टाइल। इसमें फिर थोड़ा इंडियन फीचर्स भी आता है इसलिए इंडो गोथिक स्टाइल। इसमें मुगल, इंडियन और गोथिक ये सारे फीचर्स कंबाइंड होते हैं, तो ये काइंड ऑफ हाइब्रिड स्टाइल भी है। जो 1911 के पहले के जो सारे आर्किटेक्चर्स थे उसमें ये स्टाइल काफी देख सकते हैं, उसके बाद नियो रोमन ही ज्यादा दिखते हैं। तो फ्रेंच जब तक थे जहां जिस एरिया में थे वहां पे इसका ज्यादा डेवलपमेंट होता है। इसमें काफी लार्ज कंस्ट्रक्शन होता है और इसमें जो जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स थे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से थे, तो वो काफी परफेक्ट स्टैंडर्ड्स का यूज होता था, और इसमें कॉन्क्रीट, स्टील, आयरन ये सब का भी अच्छे से यूज होता था, क्योंकि इंडियन आर्किटेक्ट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब के नॉलेज यूज करने। इसकी वॉल्स जो होती थी वो काफी थीन होती थी, और आर्क्स इसके जो होते थे वो बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड होते थे, ऐसे ट्रायंगल शेप का भी बनाते हैं, ऐसे पॉइंटेड आर्क्स का यूज होता था। जो इंडो इस्लामिक में उसमें मोर राउंड टाइप की आर्क्स होती है, इसमें पॉइंटेड है। इसमें विंडोज काफी लार्ज होती है, जो गोथिक स्टाइल का इन्फ्लुएंस है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी विंडोज का यहाँ पे यूज होता है। और इसके जो चर्च बनाए गए थे वो क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान, ये सेंट पॉल चर्च है कोलकाता का, तो विक्टोरियन मेमोरियल, फिर लक्ष्मी विलास पैलेस, ये सब इस टाइप के एग्जांपल है। नियो रोमन स्टाइल जो एडविन ल्यूटन और एडवर्ड बेकर ने स्टार्ट की थी, बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड स्टाइल थी, तो इतनी हाइब्रिड हो गई थी कि फिर बहुत ही कंजेस्टेड भी हो गई थी, कोई भी स्टाइल का कोई भी फीचर अलग से देख ही ना पाओ, इतने ज्यादा उन्होंने सब मिक्स किया था। तो इस वजह से मॉडर्निटी, सिंपलिसिटी और यूटिलिटी हम इसमें कॉम्प्रोमाइज देख सकते हैं, इतने अच्छी नहीं मानी जाती आर्टिस्टिक वैल्यूज। इसमें जो डोम होता है वो अपटर्न्ड होता है, और एक मेन जो अभी हमारे सारी बिल्डिंग्स है दिल्ली, मतलब जो कैपिटल के अराउंड में सारी जो बिल्डिंग्स डेवलप हुई थी वो मोस्टली ये स्टाइल्स है, तो पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, ये सारी बिल्डिंग्स उसी स्टाइल्स है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लॉरी बेकर का कंट्रीब्यूशन, इसको पुअर का आर्किटेक्ट बोला जाता था। ये अराउंड केरला में इन्होंने काफी काम किया था,
तो जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है, जो लोकल एनवायरनमेंट से सूट होता है, वैसे मटेरियल और वैसे स्टाइल से बनाने में इनकी मास्टरी थी। और ये मटेरियल भी कुछ ऐसा यूज करते थे जो इतना एक्सपेंसिव ना हो। तो मास हाउस इनका जो कंसेप्ट है उनके लिए इनकी आइडियोलॉजी काफी सुटेबल थी। तो केरला में जो मास हाउसिंग का प्रोजेक्ट था उन्होंने हैंडल किया था और वो काफी रिवोल्यूशनरी माना जाता है। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है तो उसमें कोई भी आंसर में आप ये कोट कर सकते हो, अगर आपको कुछ ये साइड पे आप जा रहे हो आंसर लिखते हुए तो ये कोट कर सकते हो। जो ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है, इसको ग्रीन बिल्डिंग बनाना थोड़ा कॉस्टली है अभी, लेकिन अगर मास हाउसिंग में हमको पुअर के लिए बनाना है तो फिर ये सारे कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। कर्बूजर का तो इम्पोर्टेंस हमको पता ही है। चंडीगढ़ का जो प्लान उन्होंने बनाया था ये अभी थोड़ा करंट में है। ये जो टाउन हॉल बनाया था, चंडीगढ़ का तो प्लान बनाया था, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स भी उन्होंने डिजाइन की थी, तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी। इसको मॉडर्न आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स बोला जाता है, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है उन्होंने। लेकिन अभी इसकी अच्छे से केयर नहीं हो रही है, इसलिए अभी थोड़ा करंट में था। अगर देख अगर मॉडर्न आर्किटेक्चर की हम बात करते तो पहले डिफरेंस ये होता है एंशियंट और मॉडर्न के बीच, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न के बीच के। तब जो आर्किटेक्चर्स हम बनाते थे या जो हमारा पर्पस था वो मोस्टली ग्लोरिफिकेशन का ज्यादा था, क्योंकि वहां पे ऐसे रूलर्स थे जिनको ग्लोरीफाई करना था, तो इसलिए वो बड़े आर्किटेक्चर्स बनाते थे। लेकिन अभी जो हमारा आर्किटेक्चर का कंसेप्ट है वो पब्लिक के लिए है, क्योंकि अभी हम डेमोक्रेटिक स्टेट है तो पब्लिक की यूटिलिटी, उसके हाउसिंग, उसकी एमिनिटीज, उन सब के लिए हमारा फोकस ज्यादा रहता है। तो मेजर हमारा एम चेंज हो गया है, दैट्स व्हाई अभी आर्किटेक्चर का जो हमारा पैटर्न है वो चेंज होता है। और अभी जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए, और हमारा जितना हॉट क्लाइमेट है, तो फिर ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन बिल्डिंग में क्या होता है, एक तो एनर्जी, एनवायरमेंट, ये सब का तो ध्यान रखते ही है, दूसरा इकोनॉमिकली भी वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो ये दोनों एनवायरमेंट और इकोनॉमी, ये दोनों को साथ में देखते हुए ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट होता है। इसमें कॉन्क्रीट और सबका यूज कम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा हॉट क्लाइमेट है तो इससे गर्मी ज्यादा होती है। इंदिरा पर्यावरण भवन, ये काफी न्यूज में है क्योंकि इंडिया इज फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग, तो पूरा इको फ्रेंडली है। इसकी डिजाइन इस हिसाब से बनाई गई है कि इसमें एनर्जी का मिनिमम यूज होता है, तो इम्पोर्टेंट है। जो गृह हमने एडॉप्ट किया है, जो ग्रीन बिल्डिंग का रेटिंग कर दी है, उसने इसको 5 स्टार दिया है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और यूएस ने भी जो उसने फीचर्स किए है उसमें उसको प्लेटिनम स्टार मिलता है, तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। इसमें जो 75% डेलाइट का यूज करते हैं, तो नेचुरल लाइट्स का ही यूज करते हैं। फिर जो उसका पूरा एरिया है उसमें 50% से ज्यादा एरिया में ग्रीनरी है, तो इसलिए उसका एनवायरमेंट नेचुरली कूल रहता है। जो वाटर है, जो वाटर का यूज होता है उसको रिसाइकल करने की भी प्रोसेस है। फिर रूफ टॉप सन टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, तो मोस्टली सोलर पावर से ही चलता है। ये 2-3 है जो ECBC है वो भी रेटिंग देता है जो एनर्जी के लिए होता है। फिर BEE का भी, बुरा एनर्जी एफिशिएंसी का भी रेटिंग आता है। ये 2-3 रेटिंग है, सब कुछ इसने फुलफिल किया है सारे क्राइटेरिया। फिर इसमें ग्रीन मटेरियल्स है जैसे कि फ्लाई ऐश है उसकी ब्रिक्स। फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स होती है वो नेचुरली कूल एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और वो फ्लाई ऐश है वो ऑलरेडी इसका जो इंडस्ट्रियल यूज होता है उसमें हमें मिलता है, तो वो उसकी प्रोडक्ट होती है, तो बाय प्रोडक्ट ही होती है, तो उसका यूज भी हम इसमें करके ऐसे क्लाइमेट चेंज में बेनिफिट कर सकते हैं। फिर दूसरे कुछ जूट कॉम्पोजाइट मटेरियल का भी यूज हुआ है, तो वो लोकली अवेलेबल भी है और जूट इंडस्ट्री को भी इससे बेनिफिट मिलता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी कंसेप्ट है, तो इसलिए ये बिल्डिंग आप थोड़ा डिटेल में ऐसे देख सकते हो, कहीं भी आ भी सकता है और आप कोट भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से मैंने लिखा। It is argued that there is a need of rewriting Indian history textbook. Critically examine why and comment if such arguments have any merit.
तो इसको अभी काफी डिस्कस किया जा रहा है कि हिस्ट्री को मतलब ICHR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च वो भी सोच रही है, तो इस वजह से तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप भी सोच सकते हो। मैंने कुछ जो सोचे थे वो ऐसे थे कि जैसे ही टाइम डेवलप होता है वैसे कुछ नई इंसाइट्स भी हमें मिलती है। डोंट वरी, इसमें स्लाइड्स में पीछे पॉइंट्स है। तो जैसे टाइम पास होता है कुछ नए डॉक्यूमेंट्स कुछ नए एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें हिस्ट्री की नई इंसाइट्स मिलती है, तो इस वजह से उसको अपडेट करना ये एक नेचुरली ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इस वजह से उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कुछ और इसके एम है या फिर कोई और डोमिनेंट ग्रुप है जो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री को रीराइट करना चाहता है तो वो गलत है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो हमें जिस इंस्टीट्यूशन पे इंटीग्रिटी पे हमें विश्वास है वो अगर पूरी फैक्ट बेस्ड जाके कुछ नया एडिशन करना चाहती है तो वो सही है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो मोस्ट ऑफ लिखी गई है उसमें कहीं बार मिथ और फैक्ट ये दोनों कंफ्यूज रहे, तो इस हिसाब से अगर कुछ नए फैक्ट्स बाहर आ रहे तो हिस्ट्री को रीराइट करना इज नेसेसरी। लेकिन रीराइट करना यानी कि पूरी फिर से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें अपडेशन या फिर एडिशन करना इज इम्पोर्टेंट। ये मैंने आंसर कुछ लिखा है, आप उसमें और कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए और इंडिया में मेजर ये पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है, जो हिस्ट्री लिखी गई वो पॉलिटिकल ज्यादा है लेकिन हमारा जो इकोनॉमिकल एंशियंट इंडिया में या फिर मेडिवल में वो काफी कम हमारे पास नॉलेज होता है। अगर जनरल पब्लिक में देखा जाए तो उनको पॉलिटिकल हिस्ट्री ही ज्यादा पता होती है, तो इकोनॉमिक कल्चरल सोशल ये सारे पर्सपेक्टिव से अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो अभी हमें हमारी पॉलिसी डिजाइन करने में या फिर उसे और अच्छे से डेवलप करने में सहायता होगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी पूरी हिस्ट्री लिखी गई उसमें नॉर्दर्न पार्ट या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का ही ज्यादा डोमिनेंस दिखते हैं, साउथ इंडियन हिस्ट्री है या फिर ईस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री है वो हमें इतने नहीं पता होती, वो मेन स्ट्रीम में इतनी नहीं आती। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का भी हमें उसको अच्छे से मेन स्ट्रीम में लाना है तो फिर उसकी हिस्ट्री जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ये डिफिकल्ट है, तो वो सारे तरीके से भी अलग अलग एंगल से जो पर्सपेक्टिव बनता है उसको ऐड करना चाहिए। और सिलेबस चेंज करना वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो कुछ एडिशन उसमें होने चाहिए। फिर इंडियन हिस्ट्री जो लिखी गई है वो मेन दो स्कूल के थॉट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, एक मार्क्सिस्ट है और दूसरी कॉलोनियल। तो पहले तो ठीक था कि चलो उन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी आइडियोलॉजी से हम ज्यादा इंस्पायर होते हैं और उस हिसाब से लिखते हैं, लेकिन अभी तो हम एक अलग एंगल से एक इंडियन एंगल से हम देख के लिख सकते हैं, तो इसीलिए भी ज्यादा जरूरी है। ये उसके कुछ कॉन्स है कि कुछ अगर मिथ्स को कोई ग्रुप है वो डोमिनेट करता है वो उसको सपोर्ट करना है तो फिर री राइटिंग में ऐसा नहीं है कि विदाउट फैक्ट्स उसको मेन स्ट्रीम में ला जाए, तो ये करना इसी हिसाब से आपको बैलेंस्ड आंसर लिखना। फिर दूसरा ये जो अभी म्यूजियम के बारे में काफी डिस्कशन चलता है, तो द क्राइसिस इन इंडियन म्यूजियम इज लेस ऑफ रिसोर्सेस एंड मोर ऑफ इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट। इसका पॉइंट ये है कि हमारे जो कॉमन पीपल होती है उसके म्यूजियम में भी काफी कम इंटरेस्ट होता है, तो पहले तो उनको कनेक्ट करना है कि अगर आपकी सिटी में भी दो तीन अच्छे म्यूजियम है तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो म्यूजियम विजिट किए होंगे, तो सबसे पहले तो कॉमन पीपल को अट्रैक्ट की जा सके ऐसे कुछ इनोवेशन उसमें ऐड करने हैं, जैसे कुछ साउंड एंड लाइट शो ऐसे टाइप का, या फिर एम्बियंस थोड़ा रिनोवेट करके जो अभी यंग जनरेशन है उसको अट्रैक्ट कर सके वैसा इनोवेटिव कुछ सोचना चाहिए। दूसरा, जो म्यूजियम का हैंडलिंग होता है वो मोस्टली IAS या फिर जर्नलिस्ट लोगों के हाथ में होता है, तो उसे कभी तो कई बार पनिशमेंट पोस्टिंग के जैसे भी दिखा जा सकता है, तो अगर ऐसे ही जो हैंडल करता है तो फिर उसमें इनोवेशन इतने नहीं होते, तो बेटर है कि कोई एक्सपर्ट इसका है जिसको इसके बारे में नॉलेज या इसकी इम्पोर्टेंस उसको फील होती है तो वो हैंडल करेगा तो विथ केयर होगा, तो इसलिए उसका मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है।
और दूसरा जो बाकी सारे कंट्रीज है उसके साथ कोलैबोरेशन से जो हमारे टेक्निकल स्किल है उसको मेंटेन करने की स्किल है उस सब में भी फर्दर एडिशन हो सकता है. जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है ऑफ हिस्ट्री कितना अच्छे से डेवलप किया है, तो वैसे हम कुछ कोलैबोरेशन करके हमारी जो स्किल है इन म्यूजियम्स है तो वो डेवलप कर सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट से नेशनल पॉलिसी कुछ होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री की एक बुक पढ़ो या फिर दो म्यूजियम विजिट कर लो तो दो म्यूजियम से आप ज्यादा सीख पाओगे. तो ये इम्पोर्टेंट है फर्दर एजुकेशन ऑल्सो. तो इसीलिए ये आंसर आप ऐसे बैलेंस करके देख सकते.